बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। प्रियंका गांधी का चुनावी दौरा है, तो प्रियंका गांधी चुनावी दौरे पर रहने वाली हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगी। मधुबन मऊ में प्रियंका गांधी की जनसभा होनी है। लगातार प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार में डटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला हुआ है। मधुबन मऊ में प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी, जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी का चुनावी दौरा है, लगातार प्रियंका गांधी चुनावी दौरे पर रह रही हैं। यूपी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने इस बार खास तौर से मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार सक्रिय हैं यूपी में प्रियंका गांधी, प्रतिदिन उनके दौरे हो रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील यहां पर प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है। लुभाने की यहां पर हर कोशिश की है प्रियंका गांधी ने, खास तौर से महिला वर्ग को साधने में जो है प्रियंका गांधी ने काफी कोशिश की है, महिलाओं को लेकर अभियान चलाया है। तो प्रियंका गांधी का चुनावी दौरा है, लगातार सक्रिय हैं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अशफाक का। अशफाक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अशफाक, कांग्रेस की कमान इस बार प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है, लगातार सक्रिय हैं, प्रतिदिन दौरे कर रही हैं। आज भी प्रियंका गांधी का चुनावी दौरा है, किन क्षेत्रों में दौरा है, क्या क्या कार्यक्रम आज का उनका रहने वाला है? जी बिल्कुल पूनम, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जब से कमान संभाला उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं। चुनाव के वक्त भी वो कम से कम 2 से 3 जनसभाएं और डोर टू डोर कैंपेन प्रतिदिन के हिसाब से कर रही। आज उनका मऊ जिले का दौरा प्रस्तावित है। मैं आपको बताऊं कि 1 बजे के आसपास वो मधुबन, एक विधानसभा क्षेत्र है मऊ जिले का, जिसमें उनका दौरा, जिनमें उनकी जनसभा होनी है। मधुबन में जो है इंदिरा गांधी जो है डिग्री कॉलेज है, वहां पर उनकी जनसभा होनी है। उसके बाद जो है करीब 2:30 बजे के आसपास जो उनकी जनसभा जो है वो मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर रखी गई है। तो आज उनकी 2 जनसभाएं हैं मऊ जिले में। तो कहीं ना कहीं जो है ये 7वें फेज में मऊ में चुनाव होना है 7 मार्च को, और जो है 6ठे फेज में जो है आज जो है प्रचार, आज जो है कल मतदान होना है। तो कहीं ना कहीं अब सारे जो नेता हैं उनका जो है टारगेट 7वां फेज है, और ये पूर्वांचल की सीटें, और इसमें घमासान जारी है। आज ही जो है मऊ में जो है कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं प्रमोद कृष्णन, वो भी सदर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ योगी आदित्यनाथ भी आज मऊ में रहेंगे और 3 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। जी पूनम, कह सकते हैं अशफाक मऊ में दिग्गजों ने मोर्चा आज संभाला हुआ है। खासतौर से अगर मधुबन मऊ की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का कितना प्रभाव रहा है पहले भी, और इस बार क्या कुछ स्थितियां इस विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं? अगर पूर्वांचल के इन जिलों की बात करें, खास तौर पर मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर की बात करें या अंबेडकर नगर की बात करें, तो यहाँ कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। पिछले चुनाव में 2012 में जौनपुर की सदर सीट कांग्रेस के नदीम जावेद ने जीती थी। उसके बाद 2017 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी समझौते में भी वो सीट पर हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में जो है कहीं जो है कांग्रेस जो है अपनी जमीन खोजती हुई नजर आ रही है, और शायद यही वजह है कि जो प्रियंका गांधी ने जो है गठबंधन ना करके इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार उतार के कहीं ना कहीं एक जो है अपनी जमीन को, अपनी हकीकत को जानने की कोशिश की है। और कहा यह जा रहा है कि जो है प्रियंका गांधी सिर्फ 2022 को टारगेट में लेकर नहीं चल रही है, उनका जो है टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। जी अशफाक, बिल्कुल टारगेट जो है आगे आने वाले लोकसभा चुनाव पर है। और खास तौर से अगर हम बात करें जो प्रियंका गांधी की, आपने कहा जमीन, कांग्रेस यहाँ पर जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है इस बार का गणित कुछ सीटें खींच पाएगी पूर्वांचल से कांग्रेस? देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय लड़ाई कांग्रेस ने जरूर पैदा की। अगर जौनपुर सदर की बात करें तो वहां भी वो त्रिकोणीय लड़ाई में है।
देवरिया की एक सीट है रुद्रपुर, जहां पे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उसने त्रिकोणीय लड़ाई पर रही है। दीदारगंज में उनके एक उम्मीदवार हैं शादाब, जो कि लड़ाई में बराबर बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं त्रिकोणीय लड़ाई बनाने की। तो कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार जो है कांग्रेस जो है जमीन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी के नाम पर प्रियंका गांधी के दौरे करा के जमीन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि टिकट वितरण को अगर आप देखेंगे कांग्रेस के, तो कई ऐसे उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हुए जो बिल्कुल साइलेंट मोड में है, प्रचार प्रसार के लिए बाहर भी नहीं निकल रहे। कई ऐसे उम्मीदवारों की खबरें हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आखिर वो ऐसे उम्मीदवार क्यों मैदान में उतारती है। जी बिल्कुल अशफाक, जो है कांग्रेस को भी सोचने की, यहाँ पर मंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो प्रियंका गांधी आज चुनावी दौरे पर रहने वाली हैं, मधुबन मऊ में उनकी चुनावी जनसभा है, जहाँ वो संबोधित करेंगी, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगी।